साल है 2017। मेरी क्लास की एक लड़की थी जिसके फेक स्क्रीनशॉट्स कोई बना रहा था मैसेजेस के, चैट्स के, एंड उसका नाम बदनाम कर रहा था। उसने वो मुझे बात रोते रोते बताई, एंड मी बीइंग अ सिंप दैट आई वाज, मैं उसकी हेल्प करने के लिए एक वाइट नाइट बन गया। एंड मैंने उन लड़कों को मैसेजेस किए, उनको धमकी दी, उन्हें कहा सॉरी बोल ऐसे वैसे। अगले दिन वो लड़के मुझे मारने आए, जब मैंने लड़की बुलाई कि ये तेरे साथ ऐसा कर रहे थे बता, वो लड़की मुकर गई और उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज वो लड़की उस लड़के को पसंद करती थी। एट दी एंड मेरी भयंकर बेइज्जती हुई एंड मेरे को 2-3 थप्पड़ भी पड़ गए, एंड मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई जिसके साथ ये हादसा हुआ है वही झूठ बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब मुझे ये नाइस गाय, बैड गाय, गुड गाय, इन चीजों का कुछ कंसेप्ट पता नहीं था, पर इतना जरूर पता लग गया था कि दूसरों के पंगे में अपनी लात घुसाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ा हुआ हूं स्पाइडरमैन की मूवीज देख के, सैम रेमी वाली। उन मूवीज में सिर्फ इतना सा बताया जाता है और ये मैसेज को बार-बार स्प्रेड किया जाता है दैट यू नीड टू बी अ गुड गाय नो मैटर व्हाट हैपेंस। आपको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी दूसरों की हेल्प करने के, जो कि देखने में अच्छा लगता है, अच्छा मैसेज भी है, आपको हीरोइक भी फील करा सकता है। बट द थिंग इज कि एक प्लेन जब क्रैश हो रहा है आपको सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है, ना कि दूसरों को पहनाना होता है। जब आपके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है ना किसी की हेल्प करने की, तो दूसरों की हेल्प करना भूल जाओ। पर रात गई बात गई, वैसे भी वो तो था चुट्टा एक, अगर एक्चुअल चैट टैग होता वो पता है क्या करता, वो उसको सिर्फ इतना बोलता कि जा और जाकर प्रिंसिपल से बात कर या टीचर से बात कर, वो तुझे ज्यादा अच्छे से असिस्ट करेंगे। और मैं कभी भी खुद बेफजूल में किसी पंगे में नहीं पड़ता, वो तो 7वीं क्लास थी, 7वीं में बच्चे ज्यादा कुछ पंगा करते नहीं क्रिएट। जस्ट इमेजिन वो कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में होता, पक्का मेरा सर फटता या मेरी लातें टूटती, क्योंकि कॉलेज के टाइम में इतने खतरनाक पंगे हो जाते हैं सिर्फ लड़कियों को लेकर ही। यहीं पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ नाइस गाय और गुड गाय का कंसेप्ट। अगर तुम भी स्टक हो इस लाइफ के पैटर्न में जहां पर तुम्हें फील होता है तुम नाइस गाय हो, लोग तुमसे हेल्प ले लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, बट नो वन गिव्स अ फक कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लास्ट मिनट तुम्हें छोड़ जाते हैं। दिस इज द वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। आगे मैं जो भी कहने वाला हूं इस लेमन की तरह कोड़ा खट्टा कड़वा सब कुछ सकता है, अगर वीडियो छोड़नी अभी कभी छोड़ दो, क्योंकि मैं कर सकता हूं। ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, आपको सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा दैट यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट अ सुपर हीरो। तुम्हें ऐसा फील होता है तुम एक मेन करेक्टर हो जो कि दुनिया की मदद करने आया, और हो भी क्यों ना भाई, तुम बचपन से एक ईगो में रहे हो, इन्फ्लेटेड ईगो में रहे हो, माँ बाप से मैं भी प्यार नहीं मिला या माँ बाप से एक्सट्रीम ज्यादा प्यार मिला है, एंड तुम्हें फील होता है दैट यू आर स्पेशल, बट यू आर नॉट स्पेशल। कभी अपने गांव में निकलो, शहर में निकलो, इर्द गिर्द देखो, इतने सारे लोग हैं जो कि तुम्हें रैंडम करेक्टर्स की तरह नजर आएंगे, जिस तरह GTA में साइड करेक्टर्स नजर आते हैं। पर गैस वट, अगर तुम उन सब के दिमागों में झांकोगे ना, वो लोग भी अपने आप को स्पेशल करेक्टर समझ रहे होंगे और तुम्हें एक साइड करेक्टर। द थिंग इज, हर बंदा खुद को स्पेशल करेक्टर समझता है, विच मीन्स कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं है। अगर हर जगह सोना होता आज सोने की उतनी वैल्यू नहीं होती, सेम वे तुम स्पेशल करेक्टर अभी नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी स्पेशल करेक्टर नहीं बनोगे और तुम्हें लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। तुम करो मदद, पर सबसे पहले अपना नाम बिल्ड करो। आज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे शहर का सबसे अमीर बंदा किसी की हेल्प करने निकलता है, वैल्यू होती है, इज्जत मिलती है, एंड लोग समझते हैं कि भाई कुछ अच्छा काम कर रहा है। वेरस अगर तुम रैंडमली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या स्कूल में और किसी की बेफजूल में हेल्प कर रहे हो, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, स्कैमर समझेंगे, सोचेंगे चोर है साला। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सेविंग योरसेल्फ, हेल्पिंग योरसेल्फ। अगर तुम इस वक्त अपने माँ बाप को फ्री नहीं कर पाए हो पैसों से, उनको आज भी नौकरी करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए, अगर तुम्हारे पास आज इतना पैसा नहीं है कि तुम शादी करके बच्चे कर सको, देन यू हैव नो राइट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि अभी तुम खुद की हेल्प कर लो, पहले इतना पैसा और नाम कमा लो कि तुम्हारी वैल्यू देने की वैल्यू हो। होप यू गॉट माय पॉइंट। सेकंड आता है, जितने भी लड़के लड़कियों के लिए नाइस गाय बनते हैं ना, उनको सिर्फ एक चीज समझनी है कि भाई जो लड़की है ना, उसको बहुत सारे नाइस गाइज लाइफ में मिल रहे हैं, बचपन से मिल रहे हैं, जब वो 7th में हुई थी तब से जब उसका पेन गिर रहा है ना कोई लड़का उसको उठाकर दे रहा है, जब वो बड़ी हो गई है ना और उसको लिफ्ट चाहिए तो कोई ना कोई लड़का फ्री में लिफ्ट दे रहा है। एंड क्या होता है, जब भी कोई चीज किसी इंसान को बहुत ज्यादा मिलती है, इंसान को उस चीज की वैल्यू नहीं रहती, एंड इंसान उसकी ऑपोजिट चीज की डिमांड करना शुरू कर देता है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जो बंदे अमेरिका में बचपन से बड़े हुए हैं, कनाडा में बचपन से बड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बचपन से बड़े हुए हैं, वहां के नेटिव्स है ना, उन लोगों को इंडिया बहुत प्यारा लगता है। वो यहाँ पर आते हैं स्पिरिचुअलिटी करने और पता नहीं क्या क्या करने, यहाँ धर्मशाला के गाँव में घूम रहे होते हैं, बैक पैकिंग कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। वेयर जो यहाँ के बंदे हैं वो वहां जाने की सोचते हैं कि एक दिन वहां जाएंगे, वहां पे नाम बनाएंगे और मस्त लाइफ जिएंगे। द थिंग इज, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। एटलीस्ट हमें तो इसी तरह से लगता है कि जो भी मेरे पास अभी है वो इनफ नहीं है, मुझे कहीं और जाना या कुछ और करना। ह्यूमन माइंड वर्क इस तरह करता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम किसी भी लड़की को पसंद करते हो और तुम उसको अपने प्यार में इस तरह से डालोगे नाइस गाय वाली हरकतें कर कर कि उसकी फेवर्स कर कर उसके लिए बेफजूल में एफर्ट्स डालकर, तो स्टूपिडिटी है, प्लेन स्टूपिडिटी, क्योंकि उसके पास वैसे लड़के ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड तुम एक और आदमी उस लिस्ट में शामिल भी हो जाओगे, उसको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। वो तुम्हारी हेल्प ले लेगी घर के लिफ्ट के लिए, वो तुमसे हेल्प ले लेगी कभी कभी गूगल पे चाहिए, वो तुमसे हेल्प ले लेगी कभी फ्री में मोमो खाने पर, कभी भी जब बारी आएगी तुम्हें रिटर्न करने की फेवर कभी फेवर नहीं देने वाली, क्योंकि तुम उसके लिए एक NPC हो, नॉन प्लेबल करेक्टर हो, बैकग्राउंड करेक्टर हो। और गलती इसमें तुम्हारी भी नहीं है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ स्पेशल एफर्ट्स डालने, क्योंकि भाई हम बचपन से देखते आए हैं, शाहरुख खान को देखते आए एंड अदर मूवीज में देखते हैं कि ग्रीन फ्लैग क्या होता है, अच्छा करेक्टर क्या होता है, जो कि लड़कियों के लिए जी जान एक कर देता है, उसके भाइयों से लड़ लेता है, पूरी दुनिया से लड़ लेता है। पर सैडली रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, वो मूवी है या असली जीवन है। एंड तुम्हें असली जीवन का एहसास तभी होगा जब
तुम जाए जाए लड़कियों से बात करोगे, जो कि तुम करते नहीं, बस मूवी देखकर एक अजम्पशन बना लेते हो। इसके पोलर ऑपोजिट्स भी हैं, कबीर सिंह जैसी मूवीज देखेंगे एंड सोचेंगे लड़कियों को तो चमाट मारना होता, बदतमीजी करनी होती तभी प्यार में पड़ती। द थिंग इज कि मूवी कभी भी सही नहीं हो सकती है लाइफ को लेकर, क्योंकि वो 2 घंटे की बेसिकली पिक्चर है। अगर तुम्हें समझना है कि तुम्हें रियल लाइफ में बिहेव कैसे करना चाहिए, तो बाहर निकलो घर के एंड सोशल स्किल्स पे वर्क करो, लोगों से बात करो, तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि तुम्हें लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है, लड़कियों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, किसी को प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना होता है, क्या उसका एक पेट डॉग बन जाना होता है या उसका गला पकड़ने वाला एनिमल बन जाना होता है, बनना क्या होता है आखिरकार। नंबर थर्ड है, तुम्हारी पोन की जो लत है वो भी मे बी तुम्हें नाइस गाय बना रही है। अब ये हो सकता है ये हॉट टेक हो, पर जब भी तुम पोन देख रहे हो ना, यू आर बेसिकली मेकिंग योर सेल्फ कक। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तुम्हें पता होगा, फिर भी रिमाइंड करवा देता हूँ। कक का बेसिकली मतलब है तुम्हें पसंद है जब तुम्हारी पसंदीदा औरत कोई और लड़का पसंद करता। इतना एक्सट्रीम तो रियल लाइफ में तुम नहीं करोगे कुछ भी, पर कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली तुम अपना माइंडसेट इतना शिफ्ट कर रहे हो। और ये मैंने रियल लाइफ में भी देखा कि लड़के एक लड़की को पसंद करते हैं, उस लड़की का कोई और बॉयफ्रेंड है या वो किसी और को पसंद करती है, उस लड़की को उससे मिलने जाना, तो लड़का खुद उसको छोड़ के आता स्कूटी पर, फिर वापस आते आते अपने दोस्त को भी फोन कर रहा होता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, कल से तो इससे बात नहीं करूंगा, मेरा कल उसका फिर से लैपटॉप बनकर घूम रहा होता है। ऐसा होने की बिगर रीजन, सबसे बड़ी रीजन जो मेरे हिसाब से, वो है पोर्न, क्योंकि पोर्न देख देख के तुमने अपना माइंडसेट इस तरह कर लिया। एंड सेकंड हो सकता है बेसिकली बॉलीवुड मूवीज, जहां पर दिखाया जाता है कि सच्चा प्यार वो है एक तरफा प्यार है, और शाहरुख खान की जो भी बिगर बिगर स्पीचेस होती हैं, जहां तुम लगे रहो बंदी के पीछे, एक ना एक दिन तो मान जाएगी, सच में ऐसा वर्क नहीं करता है। नंबर फोर्थ, आपको अपने पिता जैसा बनना चाहिए अगर आपके पिता अच्छे आदमी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होंगे। आपके पिता कभी भी नोटिस करना ना, नाइस गाय नहीं है, बैड गाय भी नहीं है, वो एक गुड गाय है। ऐसे क्यों है, ऐसा उन्हें गुड गाय क्या बनाता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखो तुम्हारे पिता जो हैं वो लोगों की मदद करते होंगे, कोई गरीब आ गया पैसे दे देते होंगे, किसी घर के आसपास कहीं पर कुछ टूट गया है, किसी का बाथरूम टूट गया, किसी गरीब के घर में कुछ हो गया, तो वहां पर भी डोनेशन दे आएंगे, उनकी हेल्प करा देंगे, वॉलंटरी वर्क भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कभी तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे दोस्तों को बुलाकर पार्टी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए और सोसाइटी के लिए भी इन जनरल। बट व्हाट विल हैपन अगर तुम्हारी मम्मी को कोई छेड़ दे या तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे, वो 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे बाकी बंदों को ठोकने से पहले, क्योंकि वो एक नाइस गाय नहीं है जो कि दूसरों की हेल्प ही करेगा या स्पाइडरमैन की तरह ये सोचेगा कि ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, वो पनिशर बन जाएंगे उस मोमेंट में, वो मार देंगे जान से किसी को मारना हो अगर तुम्हें बचाने की बारी आ रही है। एंड यही एक गुड गाय की पहचान है, गुड गाय को फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोचेगा, ही डज गुड क्योंकि उसको गुड करना अच्छा लगता है, एंड ही विल बीट समवन क्योंकि बीट करना भी उसको जरूरी है। जो नाइस गाय होता है ना, वो वैलिडेशन क्रेव करता है, वो अच्छी चीजें इसलिए करता है क्योंकि उसको अच्छी चीजों से जो बाकी लोगों से वैलिडेशन मिलती है, बाकी लोगों की तालियां मिलती हैं, बाकी लोगों की प्रेज मिलती है, वो पसंद है। अपने बाप को कभी नोटिस करना, वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि भाई 10 बंदों को इकट्ठा कर फिर मैं इसकी हेल्प करता हूँ या वीडियो बना, नहीं, बस वो कर देंगे एंड उनको जरा फर्क नहीं पड़ता भाई कि उन्हें कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, बस वो मदद करे जा रहे हैं एंड उनको अच्छा लगता है या उनके लिए एक नेचुरल चीज है, उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता। एंड यही मेन पॉइंट है, कई सारे लोग इंटरनेट में अपने बाप को ढूंढते हैं, वेस्ट के ढूंढते हैं, समझ आता है उनके बाप लोग बचपन में छोड़कर चले जाते हैं, इंडिया में ढूंढ रहे हो, आई थिंक दिस इज रॉन्ग कि तुम अपनी फादर फिगर्स को हमजा जैसे लोगों में ढूंढ रहे हो। ठीक है, बड़ा भाई ढूंढ सकते हो, ढूंढो, आपको अगर रियल लाइफ स्किल जानने ना तो लुक एट योर फादर, वो किस तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ, क्या वो ओवर फ्रेंडली हैं, क्या वो ओवर सीरियस हैं, क्या वो आंखें ऐसे करते हैं, नहीं, वो बस नॉर्मल रहते हैं, लोगों की मदद करने की बारी आई तो मदद करते हैं, गुस्सा करने की बारी आई तो गुस्सा करते हैं, यही बेसिकली गुड गाय होता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है, यू नीड अ पर्पस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही जिस दिन तुम्हारे पास पर्पस आ गया ना, उस दिन समझ लो तुमने 99% फिक्स कर लिया अपनी नाइस गाय सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम को। क्योंकि होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ अस आर पर्पसलेस। जो मैंने अपनी 7th क्लास की फोटो दिखाई टेक्स्ट वाली या स्टोरी सुनाई, उसमें क्या हुआ था, मैं 7th क्लास में था, मेरे पास कुछ करने को नहीं था, वही स्कूल का किसा बेटा बायोलॉजी सब्जेक्ट और जो भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं उसका टेस्ट देने का एक छोटा सा पर्पस था जीवन में, और कुछ भी नहीं था। जैसे मुझे एक लड़की ने बात बताई, मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट जाग गई पर्पस वाली, कुछ करने की, कुछ सॉल्व करने की, कोई प्रॉब्लम फिक्स करने की। हुआ क्या, मैं बेइंतहा उस चीज में खो गया कि मैं इस लड़की की मदद करूंगा, इसको इंसाफ दिलाऊंगा, ऑल दैट स्टफ, ठीक है, नाइस गाय वाला स्टफ। लेट अस जस्ट इमेजिन कि आज मेरे साथ सेम चीज होती, कोई लड़की बोलती है, मैं चाहकर भी उसकी इस वे में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्यों पता है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, 4-4 रील्स बना रहा हूं, अभी ये 5th वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं नॉन स्टॉप, कहां से निकालूंगा टाइम। और मैं इतना कोई पागल तो हूं नहीं कि मैं किसी लड़की के लिए स्पेशल अपना काम छोड़ दूंगा, मैं उसे कहूंगा पुलिस को फोन करिए, अपने माँ बाप को बता, दैट इज इट सिंपल। तो जब तुम्हारे पास पर्पस होता है ना, तुम 99% नाइस गाय वाली चीजें नहीं करोगे, जैसे कि उसके वैलिडेशन को क्रेव करना, उसके लिए पैसे खर्चना, उसको घर छोड़ना बेफजूल में, वो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं है, ऐसी चीजें तुम कर ही नहीं सकते। करने का आइडिया भी आएगा ना तो भाई काम पड़ा है घर में। एक चीज पूछता हूं तुमसे, जो बंदे मजदूरी कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उनके पास 1 रुपया नहीं है, दिन रात पत्थर तोड़ रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, तुम्हें लगता है वो कभी नाइस गाय बन सकते हैं, किसी लड़की के लिए सिंप कर सकते हैं? ज्यादा वो रात
रात को सोने से पहले एक मुठ मार सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, पता है क्योंकि टाइम ही नहीं भाई। बेचारे सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, एक दिहाड़ी करते हैं, थक जाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, सुदर्शन खाते हैं घोल के दांत में लगाते हैं, दैट इज इट, बीड़ी पीते हैं, खत्म हो गया, टाइम ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिम्स वो होते हैं जो कि बच्चे हैं या फिर कॉलेज में, माँ को बोलते हैं पापा जियो का रिचार्ज करा, वही लोग सिम बन सकते हैं। जो व्यस्त है ना किसी काम में वो सिम बनेगा ही नहीं। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पर्पस नहीं तो उसको खोजो, उसको ढूंढो। अगर जानना है पर्पस कैसे ढूंढते हैं तो यहाँ पर वीडियो उसको चेकआउट करना। आई एम श्योर अगर तुम इन टिप्स को फॉलो करोगे तो तुम नाइस गाय नहीं रहोगे, क्योंकि मैं भी पहले नाइस गाय था एंड मैंने भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर किया है। आज मैं नाइस गाय नहीं हूँ एंड आई फील रियली रियली प्राउड अबाउट माई सेल्फ। अगर आप अपने फेस से इतना सा ही परेशान हो, चेकआउट माई चैड मैक्स कोर्स, लिंक विल बी प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर एंड इंस्टा पेज मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।